वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीह मामृताः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा च्युतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणों के साथ उस प्राणनाथ ओंकार प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रणव का जब ओंकार का तप करते हुए नाम बोलो मंत्र बोलो भजन कीर्तन बोलो ये सब प्रभु शरणागति के भगवत शरणागति के भगवान के आश्रय आलंबन के आधार है साधन है। हे नाथ हे प्रभु हे नारायण आप ही मेरे इस जीवन के इस जगत के मनुष्य मनुष्यता जड़ चेतन पूरे अस्तित्व के प्रभु आप आधार मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु मेरा उद्धार करो प्रभु स्वीकार करो मुझे सन्मति दो सद्भाव दो सत्कर्म करने का योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म का मानव धर्म का राष्ट्र धर्म का और अंततः अपने भागवत धर्म का ऋषि धर्म का ब्रह्म धर्म का मैं निर्वहन कर सकूं प्रभु ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान कर। सामान्य मध्यम यतिव्र गति से प्राणायाम पूर्वक प्राणायाम का तप ओंकार का गायत्री का नाम का मंत्र का भजन का कीर्तन का आश्रय करके भगवत शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के योग साधना में आगे बढ़े। सारे
विश्व का आधार है आंख तू चल रहा तेरे सारे चल रहा तेरे सारे पर सकल संसार है एक सारे विश्व का जब हम पूरी श्रद्धा से पूरी भक्ति से एकाग्रचित्त होकर भगवत शरणागति में प्रतिष्ठित प्राणायाम तो तन के सब रोग मन के सब विकार अविद्या स्मिता रग द्वेष निवेश सब क्लेश प्रमाण विपर विकप निद्रा स्मृति रूप सारी क्लिष्ट वृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारी कामनाओं सारी वासनाओं विष्णु के पार हम आत्मा परमात्मा के द्वार पहुंच अपनी स्थिति अपने निजता में अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते वस्त्रिका के बाद कपाल भाते भी ऐसे आधा आधा एक एक घंटा कर सकते हैं जब छुट्टी का दिन हो संडे हो जब हॉलीडे हो तब हॉलीडे कब होगा हॉलीडे होगा जब भगवान जो सारी खुशियों का सारी प्रसन्नता का सारे आनंद का सारे सुख का आधार है उसके साथ एकाकार हो जाए कपाल भाते में अनुष्ठान की तरह से ही करते रहे प्रभु के साथ एक आत्मा होकर के उसकी अहित की कृपा को आत्मसात करके स्वीकार कर तो प्रभु का अपने आशीषों से सदा अभिषेक करिए रहे बस उसको अनुभव करे चांद सूरज और सितारे तेरी महिमा गा रहे चांद सूरज और सितारे तेरी महिमा गा रहे तेरी शक्ति का शक्ति का नहीं कोई न पार पार है तू एक सारे विश्व का सामान्य मध्यमिया के प्रगति से कपाल पूरी एकाग्रता से निरंतरता से श्रद्धा से भक्ति से समर्पण से प्रभु प्रेम के अतिरेक से भर दिया अनगिनत रत्नों से समंदर कारिदय
भर दिया अनगिनत रत्नों से समंदर तारिदय और पृथ्वी का खजाना और पृथ्वी का खजाना भी अनंत पार है नाथ तू एक सारे विश्व का सब के सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सामने सब के सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सारे विश्व का आधार है नाथ तू जमाने को सुसज्जित कर दिया वेद वाणी से जमाने को सुसज्जित कर दिया सत्य विद्या सत्य विद्याओं का जो सीमा रहित भंडार है नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है नाथ तू चल रहा तेरे सारे चल रहा तेरे सारे पर सकल संसार है नाथ तू एक सारे विश्व का जैसे एक अपान भांति कोई अनुष्ठान की तरह
सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, और इसी तरह से कपाल भाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम करते थक जाए तो कपाल भाति, क्रम निरंतर चलता रहे, साधना रुके नहीं, अखंड जप, अखंड तप, और भगवान के आश्रय, भगवान की शरणागति। प्रभु के आलंबन में, प्रभु के आलिंगन में सदा प्रभु से आशीषित होते हुए योग अभ्यास करते करते हम प्रभु के यंत्र बन जाते हैं। साधना हमारे भीतर से जब अभिव्यक्त होती है तो हम सेवा करते हैं। परोपकार करते हुए, आत्मा साक्षात्कार करते हुए, साधना की सीढ़ियों आरोहण करते, शक्ति हमको देना।
भगवन नाम से भी उपकार हो। आधार हो ऐसा कि जिस पर शील का निर्माण हो, आधार हो ऐसा कि जिस पर शील का निर्माण हो, शील हो ऐसा कि जिसमें प्रेम शक्ति हमको देना भगवन हमसे भी उपकार हो। वह शक्ति हमको देना भगवन हमसे भी उपकार हो। हो संचार मुझसे प्रेम का ऐसे जो सभी का दुख हरे, हो संचार मुझसे प्रेम का ऐसे जो सभी का दुख हरे, सुख शांति सबके पास हो ऐसा के पास हो ऐसा ही मेरे प्रयास हो, ऐसा ही मेरे प्रयास हो, ऐसा ही मेरे प्रयास हो। वह शक्ति हमको देना भगवन हमसे भी उपकार, वह शक्ति हमको देना भगवन हमसे भी उपकार हो। गुरु चरणों की कृपा से मुझको तेरी सत्ता का ज्ञान हो, गुरु चरणों की कृपा से मुझको तेरी सत्ता का ज्ञान हो, ज्ञान हो ऐसा कि जिसमें प्रतिपल जान हो ऐसा कि जिससे प्रतिपल तेरा ध्यान हो, प्रतिपल तेरा ध्यान हो, प्रतिपल तेरा ध्यान हो। वह शक्ति हमको देना।
से भी उपकार हो वह शक्ति हमको दे न भगवन हमसे भी उपकार हो। जीवन हो मेरा ऐसा विकसित जिससे मन का विकास हो, जीवन हो मेरा ऐसा विकसित जिससे मन का विकास हो, भयभीतता विचलितता व्याकुलता व्याकुलता का अभाव हो वह शक्ति हमको दे न भगवन हमसे भी उपकार हो। तेरे नाम की माला ही मेरे प्राणों का आधार हो वह शक्ति हमको भगवन हमसे भी उपकार हो हमसे भी उपकार हो हमसे भी उपकार हो। कपाल भांति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम का पुरुषार्थ और निरंतर दिव्य जीवन का प्रभु के आश्रय प्रभु के आलम भगवत शरणागति जब पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर एकाग्रचित होकर प्रभु से अनन्य प्रीति रखते हुए जब हम ये प्राणायाम का पुरुषार्थ करते हैं और हृदय में प्रार्थना की का अतिरेक होता है पिंड और ब्रह्मांड में उसी एक प्रभु का सौंदर्य ऐश्वर्य उसी की महिमा उसी का आकर्षण और सर्वत्र उसी प्रभु की अभिव्यक्ति उसी की शक्ति उसी का सौंदर्य उसी का प्रत्यक्ष ध्यान के समय हर प्रभु के अंग संग कपाल भाति सामान्य मध्यम यति प्रगति से करते हुए जीवन का रूपांतरण कर कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन Divine Express, Divine Transformation, Balance, Rejuvenation, ultimately achievement of life divine. This is the goal of yoga and this is the process of yoga, this is the benefit of yoga. Bas karte rehte hain, karne se hi sab kuch hoga.
तन मन जीवन का रूपांतर घटित होगा, करना तो बस करना प्रार्थना, निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति, निश्रेयस में रह करके अभ्युदय, विश्राम में रह करके श्रम, प्रार्थना हृदय से पुरुषार्थ की ये साधना करते करते प्रभु की आराधना करते करते साधना के सोपान चढ़ते जाए। अनादि काल से ये जीवन की साधना चल रही है और अनंत काल तक ये जीवन का प्रवाह चलायमान रहेगा और ये सब कुछ महिमा जिसकी है वह है प्रभु, हम उसकी शरणागति में आइए। कपालभाति अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, पहले उंगली माथे पर से स्त्री उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका में होता और आज्ञा चक्र में एक आत्म ज्योति एक ब्रह्म ज्योति और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में उसी ब्रह्म की ज्योति का अनुभव करते हुए उसके साथ एकाकार तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप पहुँचा। ब्रह्मरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओंकार का एकाक्ष ब्रह्म के रूप में ओम एकाक्ष
ओमितिदं सर्वं ओमिति ब्रह्म ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओमिति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् सर्वम् ओंकारे यच्चन्यत्रिकारातीतं तदप्योंकारे ओंकार के साथ सिककार हो जाते और एकाकार होकर के प्रभु के ज्ञान से प्रभु की कृपा से आशीषों से प्रभु की ऊर्जा से प्रभु के ऐश्वर्य से अभिषिक्त होकर अनंत में समाहित हो जाते सब नाम रूपों में भगवान का प्रत्यक्ष और नाम रूपों से परे अपर ब्रह्म पर ब्रह्म परात्र ब्रह्म प्रभु सब कुछ आप ही है मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु दोनों हाथों को उठा लेते हैं ऐसे दो तीन मिनट से लेके पांच मिनट का सभी ध्यान करेंगे दोनों हाथों की गर्म गर्म पीड़ियों की ऊर्जा का उष्मण करने आंखें खोल लेंगे ऐसे